दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक कमरे से होती है जिसमें कई सारे गैजेट्स रखे हुए होते हैं। इसी कमरे में मूवी का हीरो जुनोवो सोकर उठता है और अपने फोन में टाइम देखता है। जुनोवो अपने घर में अपनी माँ और बहन के साथ रहता है और जुनोवो को वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक है। वो पूरे दिन बस ऑनलाइन गेम खेलता रहता है। जुनोवो उठने के बाद अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन घर में उसकी माँ और बहन नहीं है और वो कहीं बाहर गए हैं। जुनोवो पानी पीने के बाद देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए एक लिस्ट और कुछ पैसे छोड़ दिए हैं और उसकी माँ ने उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा था, लेकिन वो अपना कंप्यूटर ऑन करके गेम खेलना शुरू कर देता है। तभी गेम खेलते वक्त उसका फ्रेंड उसे बताता है कि टीवी में एक अजीब सी न्यूज चल रही है। यह सुनते ही जुनोवो तुरंत बाहर आता है और टीवी खोलकर देखता है। वह टीवी पर चल रही न्यूज देखकर अचानक से शॉक रह जाता है। वह टीवी में देखता है कि सियोल सिटी के अंदर एक अजीब सा वायरस फैल गया है। यह वही सिटी है जिसमें जुनोवो रहता है। आगे न्यूज में बताते हैं कि इस सिटी के अंदर इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं और वो एक जंगली भेड़िए जैसा बर्ताव कर रहे हैं। गवर्नमेंट के हाथ में अब कुछ नहीं है, इसीलिए लोगों से दरखास्त है कि जो लोग बच गए हैं वो कृपया अपने घर से बाहर ना निकले जब तक कि उनके पास कोई मदद नहीं पहुंच जाती। इस खबर को सुनने के बाद जब जुनोवो अपनी बालकनी से बाहर झांक कर देखता है तो वो बहुत डर जाता है, क्योंकि सड़क पर कुछ लोग जॉम्बी के झुंड लोगों को मारकर खा रहे हैं और जो लोग बचे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही वो बालकनी के अंदर आता है तो उसका पड़ोसी जबरदस्ती उसके घर में घुसाता है और वो उसे बताता है कि अपार्टमेंट के सभी लोग जॉम्बी बन चुके हैं। आगे वह बताता है कि मेरा भाई भी मारा गया है। इसके बाद वो उसे उसका बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए कहता है और वह जुनोवो के बाथरूम में चला जाता है। इधर जुनोवो फिर से टीवी खोलकर देखता है। टीवी में बताया जा रहा है कि इन्फेक्ट हुए लोग बस कुछ ही देर में कैनिबलिस्टिक नेचर शो करने लगते हैं। उनका चेहरा एकदम सफेद हो जाता है और आंखों के लाल होने के साथ उनमें से खून निकलने लगता है। तभी उसका पड़ोसी बाथरूम के बाहर आता है और जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और जुनोवो पर हमला कर देता है, लेकिन जुनोवो उसे बाहर निकालने में सफल हो जाता है और वह अपने घर के दरवाजे के सामने अपना फ्रिज लगाकर दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देता है। जुनोवो के पास उसकी माँ का मैसेज आता है जिससे कि वह पता कर सके कि उनका बेटा ठीक है या नहीं। इसके साथ ही वह अपने बेटे को अलाइव रहने को कह सके। जुनोवो अपने पेरेंट्स के फोटो पर एक स्टिकी नोट चिपका देता है जिससे उसके अंदर मोटिवेशन बना रहे। वह अपने फोन में देखता है कि एक सोशल साइट पर जो लोग जिंदा बचे हैं वो रेस्क्यू टीम को मैसेज देने के लिए अपना हाल और अपनी लोकेशन बता रहे हैं। जुनोवो भी ऐसा करता है। वो एक पोस्टर पर स्टे अलाइव लिखकर इंटरनेट के सहारे लोगों से मदद की गुहार लगाता है। उसके आसपास का सारा इलाका जॉम्बी बने लोगों की वजह से तबाह हो जाता है और उसको इस बात का पता तब चलता है जब वह अपने ड्रोन में अपना फोन लगाकर देखता है। आसपास हर जगह जॉम्बी ही जॉम्बी घूम रहे हैं। कोई किसी को खा रहा है तो कोई चिल्ला रहा है। इस फिल्म में जो जॉम्बी दिखाए गए हैं उनमें एक खास बात होती है, वो ये कि जो लोग इन्फेक्ट होकर जॉम्बी बन चुके हैं वो लोग अपना डेली का रूटीन नहीं भूलते। जैसे अगर कोई मॉर्निंग में ऑफिस जाता था तो वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सबका एम एक ही होता है, दूसरों को मारकर खाना। जुनोवो के एरिया में धीरे धीरे नेटवर्क और इंटरनेट दोनों ही बंद हो जाते हैं, लेकिन लकीली उसके अपार्टमेंट में पावर सप्लाई बंद नहीं होती। वह अपने टीवी को ऑन करता है और देखता है कि टीवी स्क्रीन पर भी एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है। जुनोवो अब बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी बालकनी की विंडो में सेलो टेप से हेल्प लिखता है। रात में उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और जुनोवो बालकनी में आकर देखता है तो वो पता है कि एक पुलिस ऑफिसर जॉम्बी से लड़ रही होती है, लेकिन जॉम्बीज उसे खाने के लिए साइड में ले जाते हैं। जुनोवो उसकी मदद करना चाहता है और इसीलिए वो जॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए एक कांच की बोतल उसकी तरफ फेंकता है, पर जॉम्बी उसे मार देते हैं। लेकिन बोतल की आवाज से एक बड़ा सा जॉम्बी उसके घर के मेन गेट को खोलकर अंदर घुस जाता है। लेकिन तब ही जुनोवो बालकनी से लटककर जॉम्बी को ऐसा दिखाता है कि जैसे कि वो नीचे कूद गया है। इसके बाद जॉम्बी भागते हुए आता है
और नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से जुनोवो एक बार फिर से बच जाता है, लेकिन इस जॉनवी की वजह से उसके फ्रिज में रखा खाना फर्श पर गिरकर खराब हो जाता है, जो उसने बचाकर रखा था। अब जुनोवो के पास खाना और पानी दोनों खत्म हो चुका है। अब अगर उसे मदद नहीं मिली तो वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अगले दिन जुनोवो के दिमाग में एक ख्याल आता है कि वो रेडियो के जरिए किसी से मदद मांग सकता है, लेकिन उसके लिए उसे 3 से 5 mm जैक वाला हेडफोन ऑडियो वायर चाहिए था, लेकिन उसके पास सारे हेडफोन वायरलेस होते हैं और इसी वजह से वो रेडियो की मदद भी नहीं ले पाता। अब जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो वो अपने पिता की विस्की पीना शुरू कर देता है और फिर वो नाचने लगता है। नशे में उसे एक ख्वाब आता है कि उसकी माँ और उसकी बहन घर आ गई हैं और वो ख्वाब में ही अपनी माँ के गले लग जाता है, लेकिन अफसोस ये महज एक सपना था और जुनोवो जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद वह वहीं फर्श पर रोते रोते सो जाता है। अगले दिन जब जुनोवो उठता है तो वह देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क आ गए हैं और उसे मैसेज आने लगते हैं। जुनोवो को उसके घर वालों की तरफ से एक वॉइस मैसेज आ गया था, जिसमें उसकी माँ बताती है कि वो उसके पिता के ऑफिस में है और तभी उन पर जॉनवी का हमला हो जाता है, जिसके बाद वह भी मारे जाते हैं। इस बात से जुनोवो गुस्से में आकर घर का सारा सामान तोड़ना शुरू कर देता है और जॉनवी का मुकाबला करने के लिए अपने घर के बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर आते ही उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके बाद वह बचते बचाते वापस अपने घर में आ जाता है। अगले दिन जुनोवो की हिम्मत खत्म हो जाती है और वह खुद को फांसी लगाने लगता है, क्योंकि वह जॉम्बी बनकर मरना नहीं चाहता। वह फांसी लगा ही रहा होता है कि तभी सामने से कोई उसकी तरफ एक लेजर लाइट मारता है और उसे पता चलता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में कोई और सर्वाइवर भी है जो जिंदा है। इसके बाद वह तुरंत अपने गले से फांसी का फंदा निकाल देता है और बाहर आकर देखता है। वह देखता है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में एक लड़की जिंदा बची है और इस लड़की का नाम यूवीन है। इसके बाद दोनों सिग्नल के जरिए आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। यूवीन एक तेज तरार और बहादुर लड़की है, जिसने अपने घर के गेट के आगे एक ट्रैप लगाया होता है, जिसमें एक जॉम्बी आकर फंस जाता है और वह उसे मार देती है। इसके बाद उसे बहुत गलानी होती है, क्योंकि वह दिल की बहुत अच्छी लड़की है। जब यूवीन को पता चलता है कि जुनोवो भूखा है तो वो उसकी मदद करने के लिए एक बॉल पर रस्सी बांधकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन यूवीन का निशाना चूक जाता है और बॉल जमीन पर जाकर गिर जाती है। जब जुनोवो अपने ड्रोन की मदद से उसकी विंडो तक एक रस्सी बांध देता है और यूवीन उसके लिए खाना भेज देती है। जुनोवो खाना खाने के बाद देखता है कि जिस बॉल में रस्सी बांधकर यूवीन ने उसको फेंकी थी और वह गलती से जमीन पर गिर गई थी, उसको पकड़कर एक इन्फेक्टेड पर्सन जो एक फायर फाइटर था उस रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ रहा होता है और वह फायर फाइटर बॉल को पकड़कर खींचता है जो यूवीन की टेबल से बंधी थी, और टेबल अचानक से यूवीन को आकर लगती है और यूवीन बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फायर फाइटर जॉम्बी रस्सी की मदद से यूवीन की विंडो की तरफ चढ़ने लगता है, तो उसकी मदद के लिए जुनोवो अपने ड्रोन को उसकी तरफ भेजकर उस जॉम्बी का ध्यान भटकाता है, लेकिन बहुत सारे जॉम्बी उसके दरवाजे पर आकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे जुनोवो का ड्रोन पर से ध्यान भटक जाता है और फायर फाइटर जॉम्बी उसका ड्रोन तोड़ देता है। अब जैसे ही वह फायर फाइटर जॉम्बी उसकी विंडो तक चढ़ता है तो यूविन जल्दी से आकर उसका हाथ काट कर उसे नीचे गिरा देती है। वहीं दूसरी तरफ रात में जुनोवो फैसला करता है कि वह दूसरों के फ्लैट में जाकर खाना ढूंढ कर लाएगा और वह अपने बगल वाले फ्लैट के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे खाना पानी और वॉकी टॉकी मिल जाता है। इस फ्लैट का मालिक बहुत एडवेंचरस था, इसीलिए जुनोवो को उसके काम का काफी सारा सामान मिल जाता है। उस फ्लैट का मालिक भी जॉम्बी बन चुका है, जो अचानक से आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन जुनोवो इस बार भी बच जाता है। अब जुनोवो खाना और वॉकी टॉकी यूवीन को भेज देता है और दोनों वॉकी टॉकी की मदद से कई दिनों तक बातें करते रहते हैं। यूविन बताती है कि उसे हाइट से बहुत डर लगता है। अब जुनोवो पहले से खुश रहने लगता है, और यहाँ एक बात जो हम भी नोटिस करते हैं, हमें जीने के लिए खाना पानी और बात करने के लिए इंसानों की जरूरत होती है। ये दोनों पानी पीने के लिए बारिश के समय पर अपनी खिड़की पर कंटेनर रख दिया करते थे, जिससे दोनों के लिए पानी का इंतजाम हो सके।
एक दिन रात में कई सारे जॉम्बी पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोनों को ऐसा एहसास होता है कि बारिश हो रही है। इन दोनों का यह अंदाज गलत होता है, क्योंकि यह जॉम्बी की आवाज थी जो पूरे अपार्टमेंट में घुस रहे थे। हड़बड़ी में यूविन के हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और सारे के सारे जॉम्बी आवाज सुनकर उसके घर के आगे इकट्ठा हो जाते हैं। यूविन को बचाने के लिए जुनोवो उसके बगल वाले घर के लैंडलाइन नंबर पर फोन लगाकर सबका ध्यान भटका देता है, जिससे सभी जॉम्बी दूसरे घर के पास चले जाते हैं। इतना सब होने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर वो दोनों इस एरिया में ठहरे तो दोनों के दोनों मारे जाएंगे। यूविन जुनोवो को बताती है कि उसने उसके अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर पर किसी को नहीं देखा है, हमें फूड और वाटर के लिए वहाँ जरूर जाना चाहिए। अब यूविन नीचे आती है और वह उसके पास जाने के लिए रस्सी की मदद से नीचे कूद जाती है और वो जॉम्बी से भिड़ जाती है। ये नज़ारा देख कर जुनोवो चौंक जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि यूविन को उसकी जरूरत है तो वो भी नीचे आ जाता है। यह दोनों जॉम्बीज से जमकर फाइट करते हैं और दोनों किसी तरह से लिफ्ट के जरिए 8वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अफसोस वहां पर भी जॉम्बी आ जाते हैं। और यहां कहानी में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। यहां पर एक आदमी आता है और दोनों को बचाकर अपने घर में ले जाता है। यूविन को शुरुआत में उस आदमी पर शक होता है। वो दोनों को खाना और पानी ऑफर करता है। वो बताता है कि उसके पास बहुत सारा खाना है। इसके साथ ही वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों ये खाना खा लो जब तक हेलीकॉप्टर हमें बचाने आने वाला है। इसके बाद वो दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद दोनों को अजीब सा लगता है और उन्हें इस बात का शक होता है कि खाने में कुछ मिलाया हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वे दोनों एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो आदमी दोनों के हाथ बांध देता है। असल में इस आदमी की बीबी एक जॉम्बी बन चुकी है और वो यूविन को अपनी बीबी को खाने के लिए उसे उसके कमरे में फेंक देता है और बाहर से ताला लगा देता है। इधर जुनोवो को होश आ जाता है और वो उसके हाथ में एक रस्सी देखता है जो उसकी बीबी से बंधी होती है। यूविन को बचाने के लिए वो उसे गन दिखाता है, लेकिन इसका उस आदमी पर कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी बीबी के प्यार में पागल हो चुका है। इसके बाद इन दोनों में झड़प शुरू हो जाती है। उधर कमरे में पहले यूविन के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब वो बंद हो गई है। इसीलिए वो आदमी जैसे ही दरवाजा खोलकर देखता है, तभी यूविन उसकी बीवी को उसके ऊपर फेंक देती है और वो जॉम्बी अपने पति को ही मारकर खाने लगती है। इसके बाद यूविन बंदूक से दोनों को शूट कर देती है। गोली की आवाज़ सुनकर सारे जॉम्बी वहाँ आने लगते हैं और यूविन जुनोवो से कहती है कि वो जॉम्बी नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो जुनोवो से उसे शूट करने को कहती है। जुनोवो उसकी बात मान जाता है और जैसे ही वो उसे शूट करने वाला ही होता है, तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और दोनों के मन में एक बार फिर खुद को बचाने की उम्मीद जाग जाती है। दोनों जॉम्बी से भिड़ते हुए अपार्टमेंट के टेरिस पर जाने लगते हैं, लेकिन जब तक दोनों टेरिस पर पहुंचते हैं तब तक हेलीकॉप्टर जा चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे जॉम्बी आकर टेरिस का गेट तोड़ देते हैं और दोनों तरफ से आने लगते हैं। वहीं जुनोवो गन से जॉम्बीज को मारना शुरू कर देते हैं और दोनों किसी चमत्कार का इंतजार करने लगते हैं। दोनों अपनी जान बचाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तब तक अचानक से वहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है और जॉम्बी को शूट करते हुए दोनों को वहाँ से बचाकर ले जाता है। जब हेलीकॉप्टर इस एरिया से बाहर निकलता है, तभी नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस एक्टिवेट हो जाती हैं और दोनों अपने फ्रेंड्स के मैसेजेस और कॉल्स देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को काफी गर्मजोशी से देखने लगते हैं। फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए रेस्क्यू टीम यहाँ तक पहुँची थी, क्योंकि मूवी के शुरू में हमने देखा था कि जुनोवो ने एक पोस्ट पर स्टे अलाइव लिखकर अपनी लोकेशन बताई थी और यही चीज इन दोनों को बचाने में मददगार साबित हुई। इसके साथ ही फिल्म की कहानी भी खत्म हो जाती है।